हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज सीएससी ने एक अच्छी खबर दी है हमें, और ये खबर बैंक बीसी से रिलेटेड है। क्या है पूरी खबर, मैं आपको आगे बताऊंगी। और अक्सर आप लोग ये भी मुझसे पूछते रहते हैं कि क्या हम एक बीसी से दूसरे बीसी पे चेंज कर सकते हैं, इसकी प्रोसेस क्या होती है, किस तरह से अगर हम एक्सिस बैंक की बीसी चला रहे हैं तो हम HDFC या फिर SBI की बैंक बीसी ले सकते हैं। अगर आप लोगों को ये बात नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि एक साथ दो बैंक बीसी चलाना गलत है और RBI रूल्स के खिलाफ है ये। तो आप ये गलती कभी भी ना करें। अगर आप किसी दूसरे बैंक की बीसी चलाना चाहते हैं और करेंटली जो भी बीसी चला रहे हैं उसे संतुष्ट नहीं है, तो क्या प्रक्रिया आपको फॉलो करनी चाहिए, किस तरह से बैंक बीसी चेंज हो सकती है, ये सारी डिटेल्स मैं इस वीडियो में आपको दूंगी। तो शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इसी तरह की वीडियो दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे त्यागी सर ने ट्वीट किया है कि रिन्यूअल अग्रीमेंट साइनिंग विथ SBI फॉर BC सर्विस। तो हुआ ये था कि SBI कि जो BC सर्विस है उसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी, और ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके लोग ज़्यादातर SBI या फिर केनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इस तरह के बैंकों को प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट बैंक भी होते हैं और इस पे लोगों का भरोसा भी ज़्यादा होता है। जब भी कोई अग्रीमेंट साइन किया जाता है तो वहाँ पे बताते हैं CSC वाले भी कि वो कितने BC बनाएंगे अपने अंदर। तो यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस होती हैं, 10,000, 20,000, 40,000 तक की। ये बैंक टू बैंक वैरी करता है और डिफर करता है। तो जो कोटा था SBI बैंक BC बनाने का वो खत्म हो गया था, और इसी वजह से ज्यादातर लोगों को अब जो है SBI की बैंक BC नहीं मिल रही थी। लेकिन अगेन, ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी डिमांड थोड़ी सी ज्यादा होती है, और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो इस तरह की बैंकों पे ही भरोसा करते हैं। तो इस चीज को लेकर के अब CSC ने क्या किया है कि अपना एग्रीमेंट फिर से साइन किया और रिन्यू किया है SBI के साथ। और इसके तहत फायदा ये होने वाला है VAD को कि अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को फिर से बैंक BC का काम मिलेगा। और इसमें एक और फायदा ये भी है कि जैसे मान लेते हैं कि आप दूसरी बैंक BC यूज कर रहे थे, तो आप वो बैंक BC छोड़ करके SBI चला सकते हैं। इसका प्रोसेस क्या होता है, मैं आपको थोड़ा इन डिटेल समझाती हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार मुझसे पूछा जाता है। एक एक साथ दो बैंक BC चलाना अलाउड नहीं है, और इसके लिए आप लोगों ने एक ICICI की तरफ से फॉर्म भी जारी किया था, वो काफी सारे VAD भाइयों ने भरा भी होगा, जिसमें ये क्लियरली लिखा गया था कि अगर आप एक साथ दो बैंक BC चलाते हैं तो आप पे कानूनी तौर पे कार्यवाही भी की जाती है, और ये हर बैंक के लिए लागू होता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप पहले जो करंट आपकी बैंक BC है आपको वो क्लोज करना पड़ता है। क्लोज करने का प्रोसेस क्या होता है कि आपको अपने DM से कांटेक्ट करना पड़ेगा, और DM से कांटेक्ट करने के बाद आपको वहां पे बताना पड़ेगा कि किस रीजन से आप क्लोज करना चाहते हैं। उसके बाद आपको बैंक विजिट करना पड़ेगा, जिस भी ब्रांच पे आपकी BC चल रही है जिसके थ्रू, वहां पे आपको विजिट करना होगा। विजिट करने के बाद वहां पे ब्रांच मैनेजर से एक फॉर्म मिलेगी आपको, वो फॉर्म लेकर के आपको फिल करके और ये रिक्वेस्ट देनी होगी कि आप अपना बैंक BC बंद करना चाहते हैं। जब वो आपकी फॉर्म एक्सेप्ट हो जाती है, आपका आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है, उसके बाद आप जो है नई बैंक BC के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप HDFC पे काम कर रहे थे और आप SBI पे मूव कर जाएं, यानी कि ऐसा कुछ स्विच करने का ऑप्शन नहीं होता है इसमें। जब भी आप SBI के लिए आप आवेदन करें, आप ये चीज हमेशा ध्यान रखें कि आप पर्सनल लेवल पे मैनेजर से और DM से कांटेक्ट में रहें, क्योंकि SBI एक ऐसी BC है जो हर कोई लेना चाहता है, और इस पे आपको एफर्ट थोड़ा सा कम लगाना पड़ता है। रीजन इसके पीछे ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग SBI को पसंद करते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो में आपको बताया भी था कि आप जब भी कोई बैंक BC सेलेक्ट करें तो आपका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए बैंक BC सेलेक्ट करने के लिए, जैसे कि आप किस तरह के क्षेत्र में रहते हैं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो हमेशा आपको गवर्नमेंट बैंक BC ही प्रेफर करनी चाहिए, लेकिन अगर आप अर्बन एरियाज में रहते हैं, अगर आप शहरी क्षेत्रों में रहते हैं, तो आपको SBI या फिर बैंक ऑफ इंडिया, इस तरह की BC के बाद अगर
जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं जैसे HDFC, एक्सिस बैंक वगैरह भी मिलता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, आप बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि इसमें नेट बैंकिंग की सुविधा अच्छी होती है, फैसिलिटीज अच्छी होती हैं, और कस्टमर भी जो है आपको 10,000 रुपये से अगर आपको अकाउंट भी खुलाना है तो हो सकता है कि शहरी क्षेत्रों में आपको उस तरह के कस्टमर मिल जाएं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आपको मोस्टली जीरो बैलेंस अकाउंट खुलाने वाले ही कस्टमर मिलेंगे, तो ये सारी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन फिलहाल अच्छी बात ये है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा VLE भाइयों को काम मिलेगा SBI का, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। फिलहाल आपको करना ये है कि आप जो बैंक मित्र पोर्टल है वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कर दें, और इसके बाद फिर आप DM से मिलें और ब्रांच मैनेजर से भी मिलें, और उनको बताएं कि आप ये काम करने के इच्छुक हैं, और थोड़ा सा अपनी तरफ से ज़्यादा एफर्ट लगाएं ताकि एक पॉजिटिविटी दिखे उनको, और वो लोग जो ब्रांच मैनेजर्स हैं वो आपको सपोर्ट करें, क्योंकि बहुत सारे लोग जाते हैं इस तरह के आवेदन लेकर के, तो हर किसी का आवेदन अप्रूव नहीं होगा, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह की वीडियो दूसरों तक पहुँचाने के लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।